पति बनी लायक तो छोड़ा पति का साथ, मजदूरी कर पति ने पत्नी को बनाया लायक, पढ़ा लिखा कर पत्नी की लगवाई नौकरी, दोनों के रिश्तों में आई दरार। बता दे कि पत्नी ने लायक बनने के बाद पति का साथ छोड़ दिया, मजदूरी कर पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद पत्नी अब उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप शर्मा। जी संदीप, क्या क्या कारण रहा जो पत्नी लायक बनने के बाद अब पति के साथ रहने को तैयार नहीं है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए तो प्रत्येक शनिवार और इतवार को जो है पुलिस लाइन में जो है परिवार परामर्श केंद्र आयोजित किया जाता है, और इससे जो जो पुलिस लाइन में जो परामर्श केंद्र लगता है, इसमें तमाम तरीके से जो बिगड़े हुए परिवार हैं या परिवारों में किसी प्रकार अनबन है, तो ऐसे मामले यहाँ लग और प्रत्येक शनिवार बात की जाए तो 100 से अधिक जो फाइलें हैं उनका निस्तारण जो है जो काउंसलर है उनके माध्यम से यहाँ किया जाता है। तो आज एक बड़ा पेचीदा जो है मामला यहाँ पर सामने आया कि एक पति पत्नी के बीच में जो है एक दरार थी और वो जो है यहाँ पर परामर्श केंद्र में पहुंचे थे। अगर बात की जाए तो पति का कहना था कि पत्नी को उसने जो है भी कर मेहनत कर जो है पढ़ाया लिखाया, उसकी नौकरी टीचर की जो है प्राइवेट जो है टीचर है, पत्नी बीएड कराई एमबीए कराया, तो उसके बाद में अब जो है पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसका कहीं अदर जो है कोई रिलेशनशिप में फिलहाल वो रह रही है। तो इस तरीके का मामला काउंसलर ने जो है उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन पत्नी नहीं मानने को तैयार थी, और जो पति है उसका ये कहना है कि मैं हर उसमें जो है इसको रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने मेहनत की है उसकी पढ़ाई में लिखाई में तो कहीं ना कहीं उसको भी मुझे समझना होगा, और वो जो है रखने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके के मामले यहाँ लगातार आते रहते हैं। कई परिवार परामर्श केंद्र में लगातार ये प्रेम संबंध के चलते जो परिवार बिखर रहे हैं ऐसे लगातार मामले सामने आते रहते हैं, क्या कारण है? देखिए बिल्कुल आज की अगर बात की जाए तो जो इंसान की जो सोचने और समझने की जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल जो है खत्म हो चुकी है, और छोटी छोटी बातों पर जो है परिवार जो है बिखरने का जो है काम हो रहा है। और इसी को देखते हुए जो आगरा पुलिस है उसकी ओर से जो है जो आपका पुलिस लाइन में एक शहीद प्रशांत मेमोरियल एक कक्ष है, उसमें जो है लगातार काउंसलर के माध्यम से जो ऐसे परिवार हैं जिनमें परिवारों में छोटी मोटी अनबन है लेकिन जिसके चलते परिवार बिखर रहे हैं टूट रहे हैं, तो काउंसलर के माध्यम से जो है जो आगरा पुलिस की जो पहल है उसके तहत काउंसलर के माध्यम से उन परिवारों को जोड़ने का जो है काम किया जाता है। तो तमाम तरीके के इसी तरीके के मामले यहाँ परिवार परामर्श केंद्र परिवार परामर्श केंद्र में अब तक ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं और कितने का निस्तारण किया जा चुका है? देखिए अगर बात की जाए तो आज 114 फाइलें जो है परिवार परामर्श केंद्र में आई थी, और फाइलों की अगर बात की जाए तो जो पति पत्नी का जोड़ा है वो सभी लोग यहाँ आए थे, उसमें अगर बात की जाए तो तकरीबन अब तक जो है 50 से 60 फाइलों को जो है सुना जा चुका है, और अन्य जो है जो काउंसलर है उन फाइलों को सुन रहे हैं, और आगे की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 10 मामलों में जो है राजीनामा भी कराया जा चुका है और 2 में FIR दर्ज हुई है। तो अगर बात करें तो प्रत्येक शनिवार और इतवार को इस तरीके के मामले यहाँ पर पहुँचते हैं और काउंसलर के माध्यम से उन परिवारों को जोड़ने का जो है काम किया जाता है। अगर फिर भी अगर परिवार समझने को तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है उसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई भी की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और राजीनामा भी कराया जाता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो परिवारों को जोड़ने का काम जो है यहाँ काउंसलर के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस मामले में भी जो है दोनों पक्षों को जो है काउंसलर ने समझाया और एक साथ जो है रहने की जो है उनको हिदायत भी दी है, उनसे कहा गया है कि इस तरीके की जो है छोटी छोटी बातों पर जो है अपने परिवार को ना बिखारें ना बिखरें, और इसी के साथ ही उनको हिदायत देकर और राजीनामा कराकर फिलहाल यहां से भेजा गया है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि परिवार परामर्श केंद्र में लगातार प्रेम संबंध के चलते बिखर रहे परिवारों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस वक्त की खबर आ रही है, पत्नी ने लायक बनने के बाद पति का साथ छोड़ दिया, मजदूरी कर पति ने पत्नी को लायक बनाया था, पढ़ा लिखा कर पत्नी की सरकारी नौकरी लगवा दी, जिसके बाद पत्नी अब पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया है, परामर्श केंद्र में दोनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।